हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी बोहर। माई सेल्फ मोहित गर्ग और आज मैं आपका लक्ष्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो कि मैंने पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की साइट को ओपन किया हुआ है। जो बच्चे, मैं आपको एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ देने वाला हूँ स्टूडेंट्स, जो बच्चे प्लस टू साइंस स्ट्रीम से हैं, मीन्स फिजिक केमिस्ट्री बायो और या मैथ, जिस बच्चे ने सब्जेक्ट रखे हुए हैं, उन बच्चों के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ है स्टूडेंट्स। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने आपकी लेटेस्ट न्यूज़ के अंदर, आप देख सकते हो, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि आपके पास लेटेस्ट न्यूज़ में रिवाइज सिलेबस, स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड सैम्पल पेपर फॉर 10th प्लस टू क्लास स्ट्रीम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो फॉर एकेडमिक ईयर 2019-20। स्टूडेंट्स, ये आप पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने आपके सिलेबस को रिवाइज किया है, उसके स्ट्रक्चर, क्वेश्चन पेपर के स्ट्रक्चर को चेंज किया है। इसमें साथ साथ आपको एक सैम्पल पेपर भी आपको स्टूडेंट्स गिवन दिया हुआ है हर एक सब्जेक्ट का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड मैथ्स का, जो मैं आपके साथ अब इसके अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। स्टूडेंट देखिए, आपके साथ मैं अब इसको ओपन करने वाला हूँ। इसे ओपन करके हम इसके अंदर डाउनलोड करेंगे, फिर आपको मैं इसके साथ एक प्रेस नोट दिखा रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट, आपके पास आ चुका है। आप देखिए स्टूडेंट, इसके अंदर क्या दिया हुआ है। कहता है पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड, पंजाब राज्य के समूह सरकारी गैर सरकारी एफिलेटेड अते एसोसिएटेड स्कूलों के मुख्य अध्यापक अते विद्यार्थियों नू इस प्रेस नोट राही सूचित किया जाता है कि सबसे पहला पॉइंट जो इसके अंदर है स्टूडेंट्स, वो आपके पास आपके पास क्या है स्टूडेंट, देखिए कि चालू अकादमिक साल 2019-20 तो साइंस स्ट्रीम दे लाजमी विषय भाव फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अते गणित विषय लई CBSE दे तर्ज दे पाठक्रम अंक वंड अते प्रश्न पत्र दे रूपरेखा नू लागू किया जाता है। मीन्स पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने CBSE के जो आपके पास जो इस बार सिलेबस था उसी के अकॉर्डिंग आपके पास सिलेबस बनाया है। उसको आपको पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड को पूरे के पूरे सिलेबस को आप उन्होंने चेंज कर दिया है। मीन्स CBSE ही के तर्ज पर उन्होंने पाठ्यक्रम बनाया है, अंक वंडे और प्रश्न पत्र दे रूपरेखा नू भी लागू किया है। मीन्स जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न था CBSE बोर्ड का, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आप पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का पेपर आपके पास आएगा। सेकंड पॉइंट में आपके पास कहता है कि उपरोक्त निर्णय दे लै विच संबंधित विषय लई CBSE दे तर्ज दे सौंधे गए पाठ्यक्रम अंक वंड प्रश्न पत्र दी रूपरेखा अते सैंपल पेपर बोर्ड दी वैबसाइट www.punjabschooleducationboard.ac.in ते उपलब्ध हैं। आपके पास सारे प्रश्न पत्र दी उसके सैंपल्स पेपर दी वैबसाइट जो कि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड पे दी हुई है, इस आप वैबसाइट पे जाकर भी आप सारा कुछ आप देख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ एक सब्जेक्ट की, इन चार पाँच सब्जेक्ट के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 12th के फिजिक्स के पेपर की। फिजिक्स के पेपर में स्टूडेंट्स, आपको देखो, आप देख सकते हो कि थ्योरी का पेपर जो है 70 मार्क्स का आएगा, प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का और CC मीन्स जो असेसमेंट है वो 10 मार्क्स की होगी। मीन्स प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का होना है और CC 10 मार्क्स की, मतलब 10 मार्क्स जो CC है आपके पास, 10 मार्क्स की आपके पास असेसमेंट लगेगी आपके पास। आप देखिए स्टूडेंट, इसके अंदर आपके पास करना क्या है, आपको स्ट्रक्चर दिया पेपर का, क्वेश्चन पेपर का, थ्योरी का। कहता है कि देयर विल बी वन थ्योरी पेपर कंप्राइजिंग ऑफ 18 क्वेश्चन। आगे बाद टोटल इस के अंदर 18 क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स के पेपर में। क्वेश्चन नंबर वन विल बी कैरिंग 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स। इसमें क्वेश्चन नंबर वन में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट्स, जो 1 मार्क्स के होंगे। इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देयर विल बी 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो 10 होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इंटरनल चॉइस, 1 थ्योरी टाइप एंड 1 न्यूमेरिकल इन चॉइस फ्रॉम यूनिट 6 टॉपिक 6 ऑप्टिक्स एंड फ्रॉम यूनिट 7 ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड 3 ट्रू फॉल्स आएंगे आपके पास एंड 2 फिलिंग द ब्लैंक्स एंड 5 वर्ड्स आंसर ऑफ डेफिनेशन। ओके, ये था आपके पास टोटल आपके पास 20 क्वेश्चन का स्ट्रक्चर, जिसमें आपको बताया भी है कि इंटरनल जो चॉइस आनी है वो कौन से चैप्टर में से आनी, यूनिट 6 में से एंड यूनिट 7 में से, और 3 ट्रू फॉल्स आने वाले हैं और 2 फिलिंग द ब्लैंक्स एंड 5 वन वर्ड आपके पास क्या आने हैं, क्वेश्चन आने हैं। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, आपके पास क्या कहता है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 नंबर पे, कि क्वेश्चन नंबर 2 to 8 विल बी कैरिंग 2 मार्क्स ईच। आपके पास देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 to 8 will be carrying 2 marks. There will be 3 questions of internal choice from unit 1, unit 2 and unit 4.
एंड ईच वन विल बी वन थ्योरी टाइप क्वेश्चन एंड वन न्यूमेरिकल इन चॉइस। तो आपके पास देखिए स्टूडेंट, ये सारा जो स्ट्रक्चर है फिजिक्स के है, तो फिजिक्स ये जो सारा स्ट्रक्चर जो है आपके पास सीबीएसई बोर्ड के अंदर भी सारा कुछ है जो पैटर्न है, सेम पंजाब स्कूल एजुकेशन एजुकेशन बोर्ड ने भी इसी को अप्लाई कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर पे क्वेश्चन नंबर 9 to 15 विल बी कैरिंग 3 मार्क्स। जो 9 से 15 नंबर क्वेश्चन होंगे वो 3 मार्क्स के होंगे। इसमें भी इंटरनल चॉइस दी हुई है, यूनिट 3 में से एंड यूनिट 4 में से आपका इंटरनल चॉइस आएगी। ईच वन विल बी थ्योरी एंड न्यूमेरिकल टाइप इन चॉइस। ये आपकी आपके डिपेंड है कि आपने वन थ्योरी वाला क्वेश्चन करना है कि न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन करना है। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 to 18 भी कैरिंग 5 मार्क्स। जो 16 से 18 नंबर क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स होगा स्टूडेंट्स, एंड देयर विल बी इंटरनल चॉइस इन इच ऑल दीज क्वेश्चन। इनमें सभी के सभी क्वेश्चन इंटरनल चॉइस होगी। फ्रॉम यूनिट 4 ऑप्टिक्स इंटरनल चॉइस क्वेश्चन विल बी वन क्वेश्चन फ्रॉम एनी रे ऑप्टिक्स एंड चूज चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम वेव ऑप्टिक्स। तो ये आपकी चॉइस है कि आप वेव ऑप्टिक्स से करोगे या रे ऑप्टिक्स से, जो आप 5 नंबर के अंदर क्वेश्चन करोगे। तो 16 to 18 नंबर के क्वेश्चन 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। देयर विल बी इंटरनल चॉइस इन ऑल दीज क्वेश्चन। सभी के अंदर आपके पास क्या है, ये आपके पास ऑप्शन आपके पास आएगी। 7 नंबर पर देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द मार्क्स ऑफ डिफरेंट डिमेंशन ऑफ पेपर विल बी एज फॉलोज। तो आपके पास जो पेपर फॉलोज होगा वो आपके पास होगा स्टूडेंट, लर्निंग आउटकम्स मार्क्स एंड परसेंटेज ऑफ द मार्क्स। नॉलेज बेस पे जो मार्क्स होंगे वो 26 होंगे, जो 36% है। अंडरस्टैंडिंग कोस्ट मार्क्स होंगे 30 नंबर के, और एप्लीकेशन पे होंगे 40। टोटल आकर जो पेपर है वो 70 मार्क्स का बनेगा। परसेंटेज में देखेंगे 36% जो है वो नॉलेज बेस पे है, 44% अंडरस्टैंडिंग एंड 20% एप्लीकेशन। तो टोटल आपके पास 100% ये बनेगा। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट, यूज ऑफ अनप्रोग्रामिंग प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर इज अलाउड। इसके अंदर आपका कैलकुलेटर अलाउड है। द लॉग टेबल कैन बी यूज, और ये लॉग टेबल भी आप यूज कर सकते हो। टोटल वेज ऑफ न्यूमेरिकल विल बी 20%। तो आपके पास टोटल वेटेज होगी न्यूमेरिकल की वो 20% है, इट्स मीन 14 मार्क्स। तो टोटल पेपर के अंदर 70 में से 14 मार्क्स का जो पेपर है वो न्यूमेरिकल होंगे। कहते देयर विल बी 2 numericals of 1 marks, 3 numericals of 2 marks एंड 2 numericals of 3 marks। मीन्स आपके पास क्वेश्चन देखिए, 3 मार्क्स के तो 2 numericals आएंगे, 2 मार्क्स के 3 numericals आएंगे, और 1 मार्क्स के 2 numericals आएंगे। तो टोटल 1, 3, 4 एंड 2 टोटल 6 क्वेश्चन आकर न्यूमेरिकल के आने वाले स्टूडेंट्स। ये आपके पास टोटल आपके पास आने वाले हैं। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, फिजिक्स का यूनिट वाइज आपको आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। देखिए यूनिट आपके पास टोटल जो यूनिट्स है वो टोटल 9 यूनिट है स्टूडेंट। देखिए आप स्क्रीन पर देख सकते हो, पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकंड है करंट इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड आपके पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, एंड फोर्थ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड करंट, फिफ्थ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑप्टिक्स, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एटम्स एंड न्यूक्ली इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। टोटल आपके पास 9 यूनिट्स हैं, जिसके अंदर आपको बताया गया है कि जो हर एक यूनिट जो है वो कितने कितने मार्क्स की आने वाली है, और टोटल पेपर आपके पास कितने नंबर का हो जाएगा, 70। इसी तरीके से आपको ये वाला जो दिया हुआ है स्कीम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स आपको गिवन दिया हुआ है स्टूडेंट्स, आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। जिसमें बताया होगा कि फर्स्ट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक आपके पास जो चैप्टर है जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 आने टोटल 1 or nothing, एन का मतलब आ भी सकता है और नहीं भी, और क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास आएगा ईच। मीन्स आपके पास देखे क्वेश्चन नंबर जो है आपके पास आने वाला स्टूडेंट्स, जो 5 मार्क का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो 1 आने वाला है, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी 1 आएगा। तो टोटल 2 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद इसी तरीके से आप ये सभी को आप देख सकते हो, आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो स्टूडेंट्स, और इसका जो लिंक है आप पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के वेबसाइट पे जाकर भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपके सामने अभी किया था थोड़ी देर पहले। तो अब इसी तरीके से आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट, इसके बाद एक पेपर दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन फॉर पेपर ऑफ सेटर। तो ये आपके पास देख सकते हो कि पेपर ऑफ सेटर के बारे में बताया हुआ है, और ये सारा क्वेश्चन पेपर के बारे में इंट्रोडक्शन दी हुई है, थ्योरी के बारे में बताया हुआ है कि कौन कौन से चैप्टर के अंदर क्या क्या आपके पास आने वाला है। फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर बताए हुए हैं टॉपिक्स, उसके बाद
करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक्स तय हुए हैं, उसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिज्म के, उसके बाद ये सारे जो हर एक यूनिट के जो चैप्टर के अंदर आपको बताए हैं टॉपिक्स कौन कौन से करने हैं, आप इसे आप डाउनलोड कर ले करके आसानी से आप इसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल की। इसके अंदर आपके पास 3 घंटे प्रैक्टिकल होगा जो कि 20 मार्क्स का आपके पास होने वाला है, जिनमें 2 एक्सपेरिमेंट होंगे 10 मार्क्स के, रिकॉर्ड ऑफ एक्टिविटी 2 मार्क्स की है, वाइवा आपके पास 3 मार्क्स का होगा, रिकॉर्ड ऑफ एक्सपेरिमेंट 2 मार्क्स के एंड वाइवा ऑफ एक्सपेरिमेंट 3 मार्क्स के। तो टोटल आपके पास 20 मार्क्स का पेपर आपके पास प्रैक्टिकल होने वाला है। प्रैक्टिकल का सिलेबस आपके पास ये दिया हुआ है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके सेक्शन ए के अंदर आप इसको रीड कर सकते हो, और आपने जो फिजिक्स के आपके पास टीचर हैं जो जो जिससे आप पढ़ रहे हो आप उनसे कंसल्ट कीजिए और इसके बारे में आप उसकी जानकारी अपने टीचर से ले सकते हो। अब सेक्शन बी के अंदर ये आपके पास सिलेबस है, आप इसे चेक कीजिए, आप इसकी स्क्रीनशॉट आप यहाँ से भी ले सकते हो। हाँ ये स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम सारे, अब इसमें कुछ एक्टिविटीज़ भी दी हुई है सेक्शन ए की और सेक्शन बी की भी एक्टिविटीज़ आपके पास गिवन है। तो ये सारा था फिजिक्स का सिलेबस। अब हम बात करेंगे सेकंड फिजिक्स का भी, इसके अंदर देखिए स्टूडेंट साथ साथ आपको मॉडल टेस्ट पेपर भी गिवन दिए हुए हैं, मींस आपको सारा रिवाइज सिलेबस, क्वेश्चन पेपर और सैंपल पेपर भी आपके पास गिवन दिया हुआ है कि आपके पास एक इसी तरीके का एक सैंपल पेपर आपको गिवन दे दिया कि किस तरीके से पेपर आपके पास क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं। तो ये आपके पास फिजिक्स का एक सैंपल पेपर है, देखिए फर्स्ट यूनिट के अंदर आपके पास टोटल 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, फिर ट्रू फॉल्स आएंगे, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर सेकेंड 2 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद आपके पास 3 मार्क्स से क्वेश्चन, उसके बाद 5 मार्क्स के क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, तीनों के अंदर चॉइस आएगी 5 मार्क्स के अंदर। ये था एक सैंपल, छोटा सा सैंपल पेपर जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो। इसके बाद हम बात करेंगे, देखिए इसके बाद इन्होंने क्या दिया हुआ है केमिस्ट्री के बारे। अब केमिस्ट्री का सिलेबस देखिए, ये तो था पहले फिजिक्स का सिलेबस जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया है, आप इसको आराम से आप देख सकते हो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की साइट पे जाके, उनकी न्यूज़ के अंदर लेटेस्ट न्यूज़ के अंदर आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि रिवाइज सिलेबस, तो वहाँ से आप उसके आप डाउनलोड कीजिए और सभी सिलेबस को आप अच्छे ढंग से देखिए और उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान बनाइए, ताकि आपको आने वाले टाइम के अंदर, बहुत ही कम टाइमिंग है आपके पेपर की, तो उस टाइमिंग के अंदर आप इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप इसकी तैयारी कर सको। तो स्टूडेंट्स ये था फिजिक्स का सिलेबस। अब आपको मैं केमिस्ट्री के सिलेबस की बात करें, तो केमिस्ट्री का सिलेबस भी सेम फिजिक्स की तरीके से लगभग सेम है कि इसमें भी 70 मार्क्स का आपके पास थ्योरेटिकल पेपर आएगा, 70 मार्क्स का थ्योरेटिकल पेपर आने वाला है, और इसमें प्रैक्टिकल मार्क्स 20 मार्क्स का है और सीसी 10 मार्क्स की है, मीन 70 मार्क्स का एक थ्योरी पेपर है, 20 मार्क्स की प्रैक्टिकल होगी और 10 मार्क्स सीसी ही के हैं, मीन्स असेसमेंट के हैं। तो इसमें भी देखिए स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर आपको दिया हुआ है सेम उसी तरीके से दिया हुआ है जैसे आपके पास फिजिक्स का पेपर था, कि इसके अंदर भी टोटल 18 क्वेश्चन आने वाले हैं, ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी। तो जिसमें भी फर्स्ट जो क्वेश्चन नंबर होगा उसमें 20 सब पार्ट होंगे, ईच विल बी कैरी ऑन 1 मार्क्स, ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, देयर विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 1 वर्ड आंसर एंड ट्रू फॉल्स एंड कंप्रिहेंसिव। तो ये इस तरीके से आपके पास इन 20 क्वेश्चन को डिवाइड किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 to 8 नंबर वाले क्वेश्चन जो वो 2 मार्क्स के हैं, देयर विल बी इंटरनल चॉइस इन 2 क्वेश्चन, इनमें से 2 से लेकर 8 तक जो नंबर क्वेश्चन होंगे उसके अंदर 2 क्वेश्चन के अंदर इंटरनल चॉइस होगी। और क्वेश्चन नंबर 9 to 15 जो क्वेश्चन मार्क्स हैं वो 3 मार्क्स के हैं, देयर विल बी इंटरनल चॉइस इन 2 क्वेश्चन, इसके अंदर भी 2 क्वेश्चन के अंदर चॉइस है। और क्वेश्चन नंबर 16 to 18 जो 5 मार्क्स के हैं, इनके अंदर देयर विल बी इंटरनल चॉइस इन दैम, और इसके इंटरनल चॉइस सभी क्वेश्चनों के अंदर होगी। ठीक है, ये था स्टूडेंट आपके पास स्ट्रक्चर आपके पास केमिस्ट्री का जो आप मेरे साथ डिस्कस कर रहे हो, सेम फिजिक्स की तरीके से लगभग बिल्कुल सेम है। अब इसके अंदर लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी देख लिए, नॉलेज भी 36% है, अंडरस्टैंडिंग आपके पास 44% है, एप्लीकेशन 20% है, एंड टोटल आपके पास कितना है 100% है। ओके स्टूडेंट, अब इसके अंदर क्या है आपके पास कैलकुलेटर अलाउड है, लॉग टेबल भी आप अलाउड कर सकते हो, टोटल वेटेज जो न्यूमेरिकल की है वो 20% है। ठीक है, आप देखिए यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, इसके ड्यूटी आपको हर एक यूनिट वाइज आपको डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स गिवन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए जो पहला है सॉल्यूशन वो 7 मार्क्स का है, सेकंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो 6 मार्क्स की आएगी, केमिकल काइनेटिक्स आपके पास 5 मार्क्स का है, सरफेस केमिस्ट्री जो है वो भी 5 मार्क्स की है, एंड जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स वो 2 मार्क्स का है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो 8 मार्क्स का है, एंड डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स 7 मार्क्स का। इसी तरीके से कोऑर्डिनेट नंबर्स जो है वो 2 मार्क्स के, एंड होलोकेनेंस एंड होलोरेनेंस 6 मार्क्स के,
एल्कोहल एंड फिलोनल एंड अदर 5 मार्क्स के। इसी तरीके से जो सभी चैप्टर्स हैं आपके पास 15 15, ये सभी बाय पार्ट्स आपको डिवीजन में करके दिए हुए हैं। तो आप इसको आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छे ढंग से आप इसे देखिए और आप इसके चेक कर सकते हो। तो टोटल क्वेश्चन जो इस पेपर के अंदर आने वाले हैं वो 18 आने वाले हैं और जो टोटल मार्क्स हैं वो 70 बनेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपके पास यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स का। एक आपको यूनिट वाइज आपको मार्क्स दिए हुए थे कि इस यूनिट वाइज आपके पास इस तरह मार्क्स का पेपर इतने में क्वेश्चन में से आने वाला है। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कि स्कीम क्या है, मार्किंग स्कीम इसकी कि कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के कहाँ से कहाँ किस में से आएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ शुरू में कि देखिए ये आपके पास स्क्रीनशॉट कर लिए कि सॉल्यूशन के अंदर फर्स्ट चैप्टर के अंदर से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एंड 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो आपके पास टोटल मार्क्स जो आएंगे वो 7 मार्क्स का होगा। उसके बाद देखो 1 न्यूमेरिकल एंड 1 थ्योरी क्वेश्चन, ये 1 न्यूमेरिकल एंड 1 थ्योरी क्वेश्चन है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। 1n+1t का मतलब क्या है, 1 न्यूमेरिकल एंड 1 थ्योरिकल, ठीक है स्टूडेंट। तो 2 क्वेश्चन ये हो गए और 1 क्वेश्चन ये हो गया, तो टोटल 7 मार्क्स पेपर आएगा। सेकेंड यूनिट में से 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स के आएंगे और थर्ड यूनिट में से 1 क्वेश्चन MCQ आएगा एंड 2 न्यूमेरिकल आएंगे आपके पास 2 मार्क्स के, 1 इंटरनल चॉइस है जो कि 5 मार्क्स के हैं। इस तरीके से आप उस मार्किंग स्कीम को देख सकते हो। हर चैप्टर के अंदर आपके पास अलग अलग बताया हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का जो है, देखो 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स के क्वेश्चन कहाँ से किस चैप्टर के अंदर से कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आने वाला है, यही पैटर्न आपके पास आने रहने वाला है स्टूडेंट्स। आप इसको देख लीजिए क्योंकि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड जो है मीन्स जितने भी अब बोर्ड्स हैं वो अब NCERT और CBSE के पैटर्न को फॉलो कर रही है और आने वाले सभी बोर्ड जो हैं वो CBSE के पैटर्न पे हो जाएंगे। तो ये सारा जो पैटर्न है CBSE बोर्ड का है, CBSE बोर्ड की जो भी आप चेंजेस करते हैं वो अब सभी बोर्ड्स उन्हीं के पैटर्न पे अब चलेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपके पास फिजिक्स का स्कीम जो है डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स की, वो आप चेक कर सकते हो। ये देख लीजिए, मैं आपको धीरे धीरे दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन के ऊपर चेक कर लीजिए कि कौन से चैप्टर में कौन सी यूनिट के अंदर कौन से क्वेश्चन कितने आने वाले हैं। तो आप इसको आप पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की साइट पर भी चेक कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए बात करते हैं इंस्ट्रक्शन ऑफ पेपर सेटर, ये आपको बस आप इसकी थ्योरी को पढ़ सकते हो आराम से स्टूडेंट्स। इंस्ट्रक्शंस फॉर पेपर सेटर कहता, देयर विल बी 1 थ्योरी पेपर कंप्रोमाइजिंग ऑफ 18 क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी। क्वेश्चन नंबर 1 विल वी हैव 20 सब पार्ट्स, ईच विल बी 1 मार्क्स। ये सारा क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता दिया है, आप आसानी से इसको पढ़ लीजिए और आपको पता लग जाएगा। ये आपको सिलेबस दिया हुआ है स्टूडेंट्स, सिलेबस भी आप चेक कर लीजिए कि कैसे कैसे कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आना। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपके पास क्या है, सिलेबस चैप्टर है, अब ये सिलेबस दिया हुआ है स्टूडेंट्स, सिलेबस थ्योरी आपको हर एक चैप्टर का सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है कि यूनिट 1 के अंदर आपके पास क्या है, सॉल्यूशन चैप्टर है जिसके आपको टॉपिक्स दिए हुए हैं, सब टॉपिक्स ये है, सब टॉपिक्स आपने करने हैं। यूनिट 2 के अंदर आपके पास ये टॉपिक्स दिए हुए हैं, आप इसको आप रिवाइज करोगे, इन टॉपिक्स को अकॉर्डिंग आपने इसकी तैयारी करनी है। यूनिट 3 के अंदर आपके पास ये टॉपिक्स हैं, यूनिट 4 के अंदर सरफेस केमिस्ट्री के अंदर आपके पास गिवन टॉपिक्स आप चेक कर सकते हो, इन्हीं ये ही टॉपिक्स आपने इनके टॉपिक्स को ही आपने रीड करना है। यूनिट 5 के अंदर ये वाले टॉपिक्स आपके पास है जनरल प्रिंसिपल, पी ब्लॉक आपके पास ग्रुप ऑफ 16 एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ 70 एलिमेंट्स एंड ग्रुप ऑफ 18 एलिमेंट्स करने हैं। यूनिट 7 के अंदर डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के आपको ये करने हैं, सारा कुछ जो आपको दिया हुआ है। और 8th के अंदर आपके पास ये सब, ये आपको हर एक चैप्टर यूनिट के अंदर कौन कौन सी टॉपिक्स आपने करने हैं ये आपको डिवीजन दी हुई है, आप इसको चेक कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद आपके पास एक सैंपल पेपर गिवन दिया होगा, आप चेक करते हैं कि इसका एक सैंपल पेपर भी होगा। प्रैक्टिकल सिलेबस आपके पास दिख रहा है स्टूडेंट, प्रैक्टिकल सिलेबस भी आपके पास ये इस तरीके से आएगा जो आपके पास स्क्रीन पे देख रहे हो। जो भी आपके पास पैटर्न है CBSE बोर्ड के अकॉर्डिंग हो चुका है स्टूडेंट्स, आप इसको आप ध्यान से एक एक लाइन को आप रीड कीजिए और उसको पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड को आप चेक कर सकते हो। ये क्लास 12th केमिस्ट्री का मॉडल टेस्ट पेपर है जो आप स्क्रीन पर चेक कर रहे हो, मॉडल टेस्ट पेपर को आप अच्छे ढंग से देख लीजिए कि किस तरीके से पेपर आपका पेपर का पैटर्न जो है वो आने वाला है इन पेपरों में। 2020 के बोर्ड एग्जाम +2 वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप बच्चों आपके लिए थोड़ा सा क्रूशियस रहेगा क्योंकि पेपर भी आने वाले हैं और पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने और एकदम से ही दिसंबर के अंदर आपके पास पेपर का सिलेबस जो है पैटर्न जो चेंज कर दिया है।
वो इस पैटर्न कोडिंग आप इसकी तैयारी कीजिए, और अच्छा पैटर्न है स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड का, और इस पैटर्न कोडिंग आपके मार्क्स बहुत अच्छे बनने वाले हैं। बट थोड़ा सा आपको थोड़ा सा वो डाउट होगा कि अभी करने की क्या जरूरत थी, बट ये अच्छा हुआ कि आपके पास ये जो लेवल है सीबीएसई लेवल के अकॉर्डिंग आपके पास पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का लेवल बनेगा। तो स्टूडेंट्स ये भी आपके लिए गर्व की बात है। तो आइए ये सैम्पल पेपर आप स्क्रीन पर चेक कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं हम मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स के पेपर की। देखिए स्टूडेंट्स आपके बात करते हैं जो कि मेन सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, जो कि मेरा भी सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। तो देखिए मैथमेटिक्स जो है स्टूडेंट बहुत ही अच्छा आपके पास ये पैटर्न हुआ है। मैं सीबीएसई बोर्ड के मैथमेटिक्स के पैटर्न से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इसमें जो थ्योरी थ्योरी का पार्ट है वो आपके पास मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स, 80 मार्क्स का आपके पास टोटल पेपर होने वाला है। आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर स्टूडेंट्स कि 80 मार्क्स का आपके पास पेपर होने वाला है, जिसमें 10 नंबर की प्रैक्टिकल होगी, 10 नंबर की क्या होगी सीसी होगी। मीन्स 10 नंबर की प्रैक्टिकल के अंदर भी आपके पास आपको एक लैब मैनुअल बनानी है, जिसके अंदर से आपने एक्सपेरिमेंट करने हैं। वो लैब मैनुअल का कोडिंग 10 मार्क्स लगेंगे, और 10 नंबर की आपके पास असेसमेंट लगेगी, और 80 मार्क्स का पेपर आएगा। अब एक मैथमेटिक्स की हम बात करें, इसके अंदर आपके पास क्या है फर्स्ट नंबर पे कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सेकंड कहता है कि इसके अंदर टोटल जो क्वेश्चन आएंगे वो 36 क्वेश्चन आएंगे, और इस 36 क्वेश्चन को 4 सेक्शन अंदर डिवाइड किया हुआ है, ए बी सी एंड डी। सेक्शन ए के अंदर 20 क्वेश्चन होंगे जो कि 1 मार्क्स के होंगे, सेक्शन बी के अंदर 6 क्वेश्चन होंगे जो 2 मार्क्स के होंगे, और सेक्शन सी के अंदर 6 क्वेश्चन होंगे जो कि 4 मार्क्स के होंगे, और सेक्शन डी में 4 क्वेश्चन होंगे जो कि 6 मार्क्स के होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आपके पास एक पैटर्न जो आपने मेरे साथ देखा। उसके बाद कहता है कि देयर इज नो ओवरऑल चॉइस, इसके अंदर कोई भी एक ओवरऑल चॉइस नहीं होगी, इंटरनल चॉइस आपके पास गिवन होगी। वो कहता है कि 2 1 मार्क्स के अंदर जो 1 क्वेश्चन इन टू ऑफ 2 मार्क्स एंड 2 क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स एंड 3 क्वेश्चंस ऑफ 6 मार्क्स, यू हैव अटेम्प्ट टू ओनली वन ऑफ देन अल्टरनेटिव इन ऑल सच क्वेश्चंस, कोई भी आप इन दोनों में से एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपके पास एक इंट्रोजेक्शन। उसके बाद आपको गिवन दिया हुआ है स्टूडेंट्स, आप चेक करो, उसके बाद गिवन दिया हुआ है मैथमेटिक्स का कहां गया पेपर ए में स्टूडेंट्स। ये देखिए आपके पास अब यूनिट वाइज आपको आपको दिया हुआ है सारा सिलेबस। अब मैं इसको थोड़ा सा और इसको कर देता हूं। देखिए आप टोटल आपके इसके बाद 13 चैप्टर है, जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है लेशन एंड फंक्शन। लेशन एंड फंक्शन के अंदर से स्टूडेंट्स आपके पास 3 मार्क्स का पेपर आएगा। इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, यूनिट 1 को रिलेशन एंड फंक्शन को, लेशन एंड फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। रिलेशन एंड फंक्शन में 3 मार्क्स का पेपर आएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में 5 मार्क्स का पेपर आएगा। और थर्ड एंड फोर्थ यूनिट है जो आपके पास क्या है अलजेब्रा, जिसमें मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर है, ये टोटल 10 मार्क्स का पेपर आएगा। 5th, 6th, 7th, 8th और 9th, इन पांचों को मिला के आपके पास कैलकुलस यूनिट बनती है, जिसके अंदर से 5वें चैप्टर में से 7 मार्क्स का पेपर आएगा, 6th चैप्टर में से 9 मार्क्स का, और 7th में से 9 मार्क्स का, 8th में से 4 मार्क्स का, एंड 9th में से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 6 मार्क्स का पेपर आएगा। उसके बाद वैक्टर और 3D की बात करें हम, 6 और 8 14 नंबर का पेपर बनने वाला है वैक्टर और 3D में से। ठीक है स्टूडेंट, और लीनियर प्रोग्रामिंग से 5, 2 क्वेश्चन आएंगे, एक 1 मार्क्स का और एक 4 मार्क्स का, जो टोटल 5 मार्क्स का पेपर आने वाला है। प्रोबेबिलिटी के अंदर भी 3 क्वेश्चन बनेंगे, एक 1 6 मार्क्स का और एक 2 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे, 8 नंबर का ये पेपर आने वाला है। तो टोटल 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के 16 क्वेश्चन, एंड 6 क्वेश्चन 4 मार्क्स के, एंड 4 क्वेश्चन 6 मार्क्स के रहने वाले हैं। तो ये आपके पास सिलेबस है नीचे यूनिट 1 के अंदर, रिलेशन एंड फंक्शन में कौन कौन से टॉपिक आपने करने हैं, आप इन टॉपिक को कर सकते हो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आप ये वाले टॉपिक करने हैं, उसके बाद मैट्रिक्स के आकर सब टॉपिक्स दिए हुए हैं, डिटरमिनेंट्स के सब टॉपिक्स दिए हुए हैं, इनके अकॉर्डिंग आपने इन सभी के आपने वो मैथ की प्रैक्टिस करनी है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के सब टॉपिक्स दिए हुए हैं, आपने इन्हीं टॉपिक्स को लेके ही क्वेश्चन की पेपर की आपने तैयारी करनी है। एप्लीकेशन डेरिवेटिव के अंदर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमम मिनिमा के है, आप मैक्सिमम मिनिमा की जो लास्ट एक्सेज है उसको आप अच्छे ढंग से रिवाइज कर लिए, क्योंकि 6 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। तो इसके लगभग 15 से 20 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन पेपर के अंदर बार बार रिपीट होते हैं, तो आप इन्हीं क्वेश्चन को आप अच्छे ढंग से रिवाइज कर सकते हो। इंटीग्रल चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है, क्योंकि इंटीग्रल जो चैप्टर है वो अगर ये चैप्टर आपको अच्छे ढंग से आएगा तभी आप 8th और 9th चैप्टर को आप इसको कर सकते हो। तो आप इनके 7th चैप्टर, 8th चैप्टर और 9th चैप्टर को अच्छे ढंग से कीजिए, बहुत ही सिंपल चैप्टर्स हैं, और इनके सब टॉपिक्स को देख देख के आपने उनके सभी के सम आपने रिवाइज करने हैं।
उसके बाद वेक्टर एंड 3D चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है। अच्छा ये है जो बच्चे नॉन मेडिकल कर रहे हैं उन बच्चों को वेक्टर और 3D बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि ये साइंस से रिलेटेड है, फिजिक्स से रिलेटेड है, तो बहुत ही अच्छा ये चैप्टर है 3D एंड वेक्टर। उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग जो आपने प्लस वन में भी आपने किया हुआ है LPP, जिसके अंदर हम ग्राफ बनाते हैं और इसकी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, फिजिबल सॉल्यूशन एंड इनफिजिबल सॉल्यूशन के बारे में जानकारी लेते हैं। प्रोबेबिलिटी के अंदर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इंडिपेंडेंट इवेंट, टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रॉब्लम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन एंड वेरियंस ऑफ दी रैंडम वेरिएबल, ये आपके पास सब टॉपिक्स हैं प्रोबेबिलिटी के। इसके अंदर भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हटा दिया गया है, जैसे कि CBSE बोर्ड ने इस बार रिमूव किया है, ऐसे ही पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने इसको भी रिमूव कर दिया गया है। इसके अंदर जो 10 नंबर की एक्टिविटी आने वाली है, स्टूडेंट जो आप देख रहे हैं उसके अंदर, वो आप इन्होंने बोला है कि थ्रू आउट द ईयर एनी 10 एक्टिविटीज शैल बी परफॉर्म्ड बाई द स्टूडेंट फ्रॉम द एक्टिविटीज गिवन इन द NCERT लेबोरेटरी एंड रिस्पेक्टिव क्लास विच इज़ दी अवेलेबल इन द लिंक। आपको एक लिंक दिवन दिया हुआ है www.ncrt.nic.in एग्जाम्पलर नैब मैनुअल .html। कैन दे रिकॉर्ड द सेम मे बी कैप्ट बाई द स्टूडेंट एंड ईयर द एंड टेस्ट ऑन द एक्टिविटी मे बी कंडक्टेड एट द स्कूल लेवल। कहते हैं कि जो एक्टिविटी आपने स्कूल लेवल पे आपने कंडक्ट करनी है कि द वेटेज आर एज अंडर, तो 5 मार्क्स आपको करने हैं एक्टिव परफॉर्म बाय द स्टूडेंट्स थ्रू आउट द ईयर एंड रिकॉर्ड कीपिंग, 3 मार्क्स मिलेंगे असेसमेंट के एक्टिविटी परफॉर्म कैसे की है, और 2 मार्क्स मिलेंगे वाई वर्सा के। ओके स्टूडेंट, उसके बाद एक्टिविटीज़ आपको दिए हुए हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं ये आपको दिए हुए हैं डिफाइन करने के लिए, या आप इनकी एक्टिविटीज़ को आप इनमें से कोई भी आप एक्टिविटीज़ कर सकते हो, टोटल 27 एक्टिविटीज़ है। उसका प्रोजेक्ट है जो असेसमेंट प्रोजेक्ट इज़ वर्क टू बी रिकॉर्डेड अंडर CCE, तो इस जो CCE पैटर्न के अंदर असेसमेंट लगनी है वो इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग लगने वाली है, तो आप इसके अंदर से ये कोई भी आप इसके अंदर से कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, ये तो था आपके पास मैथ का। अब इसके चेक कर सकते हो मैथ का सैम्पल पेपर जो कि आपके पास क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, ये क्वेश्चन पेपर है क्लास 12th का मैथमेटिक्स का। तो इसके अंदर देखिए हर एक क्वेश्चंस जैसे कि आप पेपर के अंदर आने वाले हैं ये पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आपके पास पेपर बनने वाला है, तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे ढंग से इसको देखिए और कैसे क्वेश्चन कैसे पेपर के अंदर आ रहे हैं उन क्वेश्चन को आप रिविज़न कीजिए। ओके स्टूडेंट, ये आपके पास मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब इसी तरीके से आपने क्वेश्चन को रिवाइज़ करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये था एक क्वेश्चन पेपर। अब बात करते हैं हम इसके बाद इस क्वेश्चन पेपर के बाद बायोलॉजी की। बायोलॉजी भी ये देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर भी लगभग आपके पास CBSE बोर्ड का पैटर्न इसके अंदर लागू कर दिया गया है, आप इसको अच्छे ढंग से देखिए। और ये भी 70 मार्क्स का पेपर है जिसके अंदर 5 यूनिट्स है। सबसे जो पहली यूनिट है रिप्रोडक्शन है जो कि 30 पेज का होता है, 14 मार्क्स का पेपर आएगा। जेनेटिक्स एंड वैल्यूएशन का 18 मार्क्स का पेपर, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर का 14 मार्क्स का, एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड इस एप्लीकेशन का 10 मार्क्स का, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का 14 मार्क्स का पेपर आएगा। तो स्टूडेंट्स ये टोटल 70 मार्क्स का पेपर है, आप इसको देखिए कि आप इसके बाद देखिए सिलेबस आपको मार्किंग स्कीम दी हुई है कि कौन सी यूनिट के अंदर कितने मार्क्स का क्वेश्चन कितने मार्क्स के आने वाले हैं, ये आकर उस मार्किंग स्कीम में आप चेक कर सकते हो। मैं आपको दिखा रहा हूँ 1 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का, एंड सेक्शन डी भी 3 मार्क्स का, एंड सेक्शन ई 5 मार्क्स का, ये आपके पास सारे क्वेश्चंस आएंगे, इसी पैटर्न कोडिंग आपके पास क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो ये आप चेक कर सकते हो कि कौन से चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, कितने मार्क्स का पेपर आने वाला है। तो आप ये जो सारा जो मैंने आपको सिलेबस डिस्कस किया है स्टूडेंट्स, अब ये जो सारा सिलेबस है स्टूडेंट ये देखिए सिलेबस, इसका सिलेबस दिया हुआ है कि हर चैप्टर की कौन कौन से सब टॉपिक्स करने हैं और कौन से सब टॉपिक्स रिमूव हुआ है, वो आप चेक कर सकते हो एक एक चीज़ को। ओके स्टूडेंट्स, ये था बायोलॉजी का पूरा सिलेबस, आप चेक कर लो। और ये टोटल जो साइंस स्ट्रीम के चारों सब्जेक्ट हैं मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तो ये जो चारों सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने CBSE के अकॉर्डिंग आपको पैटर्न को चेंज कर दिया गया है, उसके पेपर पैटर्न को भी बिल्कुल सेम कर दिया गया है। और CBSE बोर्ड को मींस पहले जो बुक्स थी NCERT को अपने पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने CBSE की NCERT बुक को लागू किया था, अब उसने पेपर पैटर्न को भी CBSE अकॉर्डिंग इसको अप्लाई कर दिया है। तो स्टूडेंट्स ये आपके लिए बहुत ही एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, आप इसके अकॉर्डिंग आपने इसकी तैयारी शुरू करनी है और इसके अकॉर्डिंग ही इसको आपने अच्छे ढंग से इसकी रिविज़न करके और पेपर के अंदर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके आना है। ओके स्टूडेंट्स, ये तो था आपके पास एक पेपर जो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने लेटेस्ट न्यूज़ के अंदर आपके पास रिवाइज सिलेबस, स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड को सैम्पल पेपर फॉर 10+2 साइंस स्ट्रीम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड मैथ एकेडमिक ऑफ टू ईयर 2019 एंड 20 ईयर।
के अंदर आपके पास एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ के अंदर आपके पास ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। वो बच्चों को ये आपको बहुत ही जानकर एक अच्छा लगा होगा कि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने सीबीएसई बोर्ड जो पूरा पैटर्न है सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग कर दिया है। मीन्स पंजाब स्कूल एजुकेशन का जो बोर्ड का लेवल है वो सीबीएसई बोर्ड के लेवल का तक का इसका लेवल आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस न्यूज़ को आप अगर आप इस न्यूज़ को पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर आप इसके लिंक पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो पूरे सिलेबस को, और उस सिलेबस को आप अच्छे ढंग से देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो स्टूडेंट्स, प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।